सच्ची कहा किसी ने, रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलतियां पन्नों की तरह। अगर कोई गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के चक्कर में किताब मत खो देना। बिल्कुल सही बात है, जीवन में रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उम्मीद की, कोशिश की, कि कोशिश करने से कभी हार नहीं होती और यदि आप पूरे मनोयोग से प्रयास करते हैं तो सारी कायनात आपकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है। एक छोटा सा गरीब परिवार था, माता पिता और एक बच्ची छोटी सी रहते थे। अक्सर उनके घर में परेशानियां लगी रहती थी, कमाने का भी कोई बहुत अच्छा जरिया नहीं था और भी ना जाने कितनी, और चूंकि पैसा नहीं था इस कारण हर रोज कोई एक नई परेशानी और नई दिक्कत आ जाती थी। लेकिन पिता अपनी बच्ची को हमेशा दिलासे रहते थे, सब अच्छा होगा। वो अक्सर पूछती, पिताजी भगवान कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे कहना है कि हमारे घर की सारी विपत्ति दूर कर दें। तो वो हमेशा कहते, बेटा वो जो ऊंची पहाड़ी दिख रही है ना घर के सामने, भगवान वहीं पे रहते हैं। वो भी मान जाती और हमेशा ऊंची पहाड़ी की तरफ देखकर प्रार्थनाएं करती रहती कि उसके घर में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाए। तभी अचानक जो है पड़ोस के देश से युद्ध छिड़ गया और सेना में भर्ती का दौर जो है वो चालू हो गया। उसके पिता ने सोचा, मैं जा रहा हूँ, सेना में भर्ती हो जाऊंगा, पैसे भी मिलेंगे, तो कम से कम मेरी बेटी, मेरी पत्नी, इन सब का पालन पोषण अच्छे से होने लगेगा। उसको जैसे ही वो वहाँ भर्ती हो गया, उसको युद्ध में भेजने के लिए बुलावा आ गया कि तुमको पड़ोस से युद्ध करने। उसने मन बना लिया था कि मैं जरूर जाऊँगा, कुछ भी हो, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो भी मेरी बच्ची का और मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से होता रहेगा। वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। वो जब निकल रहा था तब उसकी बेटी ने एक चिट्ठी लिखी पिता को और कहा, पिताजी आप जा रहे हो ना उसी पहाड़ी से होकर, वहाँ भगवान रहते हैं और आप ये चिट्ठी भगवान को दे देना, भगवान ये चिट्ठी पढ़कर हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। उसने कुछ भी नहीं कहा, क्या बोलता कि भगवान नहीं होते। उसने वो चिट्ठी चुपचाप अपने पास रखी और वो चल गया। जाते जाते जब वो अपने देश की आखिरी पोस्ट पे पहुंचा, जहाँ से उसे दूसरे देश में एंटर करना था लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, वहाँ एक आखिरी चेक पोस्ट थी जहाँ पे वो लगा हुआ था डाक डालने का। उसने एक चिट्ठी लिखी और उस पे लिखा कि भगवान नहीं होते हैं, मैं तुमसे झूठ बोलता था, मैं अब जा रहा हूँ। युद्ध में चला गया, लड़ाई खत्म हुई, लेकिन उसी समय ऐसा हुआ कि उसमें जितने भी लोग युद्ध में गए थे सभी लोग मारे गए और वो वहाँ से ये खबर भी आ गई कि वो मारे गए। लेकिन भाग्य देखिए, शायद बेटी की विनती, उसको जो था वो दुश्मनों ने पकड़ लिया था, मारा नहीं और बंदी बना दिया था। 6 महीने बाद जब दोनों देशों के बीच में संधि हुई तो जितने भी युद्ध बंदी थे उनको छोड़ दिया गया। 6 महीने बाद वो घर वापस लौटा। घर पे भारी भीड़ थी क्योंकि ये खबर आई थी कि युद्ध में गए हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके लिए सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। वो जब घर पहुँचा काफ़ी फटेहाल था, बंदी के रूप में था, दाढ़ी बढ़ गई थी, फटे कपड़े, मतलब उसकी जो शारीरिक कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। कई लोगों ने तो उसको पहचाना भी नहीं, लेकिन उसकी बेटी ने उसको पहचान लिया। वो दौड़ के गई और अपने पिता के गले लग गई। तभी उसी समय एक व्यक्ति और आया और वो व्यक्ति था, वो डाकिया था जो एक चिट्ठी लेके आया था। वो वही चिट्ठी लेके आया था जो इसने ये लिख के डाली थी कि बेटा मैं तुमसे झूठ बोलता था, भगवान नहीं होते और मैं अब युद्ध के लिए जा रहा हूँ, शायद कभी ना लौटूं। डाकिया ने उसको वो चिट्ठी दी और उसका पिता जो था उस चिट्ठी को पढ़ के उसके आंखों में आंसू आ गए। वो क्या कहता, क्योंकि बेटी कह रही थी मैंने भगवान को चिट्ठी लिखी थी ना कि आप जा रहे हो, सुरक्षित वापस आओगे और देखो आप आ गए, हमारे घर की सारी परेशानियां। छोटी सी कहानी, कोशिश और विश्वास, जीत हुई और सारी परेशानियों का अंत हुआ। हम भी अगर अपने जीवन में कोशिशों को जारी रखें अटूट विश्वास के साथ तो हम देखेंगे एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। फिर कहना चाहूंगी मैं आपसे, जीवन में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें
आपके जैसा। एक चीज और, हमेशा अपने जीवन में इस सूत्र को आप थाम लें तो देखेंगे आपका जीवन उसी दिन से सुधरने लगेगा। हर रोज सुबह उठकर एक छोटा सा टारगेट निश्चित करें और यही टारगेट पूरा करने में अपना पूरा प्रयास लगा दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी।